चैप्टर नंबर थ्री के एम सी क्यू है करा कि नहीं करा तुम लोगों ने ओके यस सर यस सर वेरी गुड इवनिंग आज हम लोग करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर बोलो बेटा फोर यस ऑनो आपको याद होगा चैप्टर नंबर थ्री तक के हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है आई I मीन mean, सिर्फ चैप्टर नंबर टू पेंडिंग है सो टिल दिस टाइम हमने चैप्टर नंबर वन का रिविजन कर, कर लिया चैप्टर नंबर थ्री का रिविजन कर लिया एंड उसके एमसीक्यू भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बराबर है ना तो अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर फोर पे एंड दैट इज मार्केट अब इस चैप्टर के अंदर में देखा जाए ना पहले यूनिट दूसरा यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है और तीसरा यूनिट जो है उसके अंदर में बहुत सारा कंटेंट है येस ऑन नो राइट तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये कॉन्सेप्ट तो देखो चैप्टर के अंदर में तीन यूनिट है यूनिट वन टॉक्स अबाउट मार्केट यूनिट टू टॉक्स अबाउट प्राइज एंड यूनिट थ्री टॉक्स अबाउट डिफरेंट प्राइज इन डिफरेंट मार्केट ठीक है सबसे पहले मार्केट का मीनिंग समझ लेते हैं मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड निगोशिएट फॉर द प ऑफ प्राइस, यस, तो ऐसा प्लेस मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर निगोशिएट फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस हालांकि कॉर्नॉट की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो कॉर्नॉट कहते हैं मार्केट डज नॉट मीन्स मार्केट मीन्स अ फिजिकल प्लेस इट मीन्स मार्केट फॉर अ कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल कितने लोग यू नो मिल्क कंज्यूम करते हैं या टी कंज्यूम करते हैं तो उनका मार्केट को हम क्या कहते हैं मार्केट कहते हैं सो एज पर कॉर्नॉट द मार्केट डज नॉट मीन्स अ फिजिकल प्लेस बट इट मीन्स द मार्केट फॉर अ कमोडिटी हर मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं पहला एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर अगर हम इसे मार्केट कहना चाहते हैं तो वहां पे बायर एंड सेलर का होना बहुत जरूरी है सेकंड दे मस्ट बार्गेन फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस उनका प्राइस बार्गेन होना बहुत जरूरी है थर्ड बायर एंड सेलर मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दी मार्केट एंड चौथा चौथाजन देर विल बी वन प्राइज इन अ पर्टिकुलर मार्केट तो एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस रहेगा हम यजूम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस रहेगा अलग अलग मार्केट के अंदर में भी यस yes, मार्केट को क्लासिफाई किया जाता है इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्केट का क्लासिफिकेशन आपको अगर याद हो तो मार्केट कई बेसिस पे क्लासिफाई होता है पहला बेसिस है मार्केट का जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे याद करके देखो जोग्रफिकल लोकेशन के बेसिस पे मार्केट चार कैटेगरी में आता है पहला लोकल मार्केट दूसरा रीजनल मार्केट तीसरा नेशनल मार्केट चौथा इंटरनेशनल मार्केट सो अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो मतलब मार्केट जो आपके सिटी या शहर के अंदर में होगा उसको हम लोकल मार्केट या फॉर दैट मैटर रीजनल मार्केट भी कह सकते हैं फॉर एक्साम्पल एपीएमसी मार्केट यार्ड आपके शहर का ये एक एक रीजनल मार्केट मार्केट है है फिर आता नेशनल नेशनल मतलब आप बाउंड्रीज के अंदर में गुड सेल कर रहे हैं तो ये हुआ नेशनल मार्केट और चौथा होता है इंटरनेशनल मार्केट अगर एक से ज्यादा कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ये कौन सा मार्केट हुआ इंटरनेशनल मार्केट टाइम के बेसिस पे भी हमारे पास चार तरीके के मार्केट है वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब पेरिशेबल गुड्स का जो मार्केट हुआ वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हुआ दूसरा हुआ शॉर्ट पीरियड मार्केट ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं उसको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं तीसरा हुआ लॉन्ग मार्केट जो लार्जर देन शॉर्ट मार्केट होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट और एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कार स्कूटर एक्सेट्रा इनका जो मार्केट होता है ये वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है क्लियर है ट्रांजैक्शन के बेसिस पे दो तरीके का मार्केट होता है कैश मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट कैश मार्केट मतलब कैश सेल्स फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट रेगुलेशन के बेसिस पे दो तरीके का मार्केट है एक है रेगुलेटेड दूसरा है अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड मतलब कोई अथॉरिटी इसके ऊपर पे बैठाई गई हो ये हुआ रेगुलेटेड मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट अगर मतलब इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठाई गई है तो ये हुआ अनरेगुलेटेड मार्केट रेगुलेटेड मार्केट जैसे कि अगर मैं बैंक को देखू तो आरबीआई एक रेगुलेटेड मार्केट रेगुलेटरी बोल करके वर्क करता है अनरेगुलेटेड मार्केट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसी कोई अथॉरिटी है ही नहीं तो ये क्या बन गया अनरेगुलेटेड मार्केट वॉल्यूम के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के

कॉर्नॉट की डेफिनेशन कहती है मार्केट इज नॉट अ प्लेस इट मींस मार्केट फॉर अ कमोडिटी मार्केट के चार है पहला बी बायर सेलर दे बोथ सेलरिएट फॉर प्राइस दे बोथ हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट ये एंड देर वन प्राइस वन मार्केट क्लियर है चलो मार्केट के क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हमारे पास कितने मार्केट है चार बताओ जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कितने हैं चार कौन कौन से हुए लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल ये सोनो राइट दूसरा टाइम के बेसिस पे हमारे पास कितना मार्केट है चार वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कितने मार्केट है दो कैश फॉरवर्ड रेगुलेशन के बेसिस पे कितने मार्केट है दो रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड वॉल्यूम के बेसिस पे कितने मार्केट है दो होलसेल रिटेल कंपटीशन के बेसिस पे कितने हैं दो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इनपरफेक्टली कॉम्पिटेटिव येसोनो फिर आता है इस यूनिट में एक और चीज कही जाती है टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर किस प्रकार के है कॉम्पिटेटिव क्योंकि अभी हमने देखा कंपटीशन के बेसिस पे दो है और वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है तो पहला हुआ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मोनोपोली ओलिगोपोली चलो कमॉन परफेक्ट कंपटीशन इज वेयर देयर आर मेनी बायर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स सो मेनी बायर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स ये बना आपका परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट ये क्या बना बेटा अभी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट दूसरा आता है मोनोपली मोनोपली के अंदर में क्या होता है बेटा वन सेलर एंड मेनी बायर ये सोनो आई आर सी टी सी इंडियन रेलवे यस yes, नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक मेनी बायर मेनी सेलर डिफरेंशिएटेड गुड्स फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट मार्केट जो है इंडिया में ये हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट देर आर मेनी बायर देर आर मेनी सेलर और सब रेस्टोरेंट अपने अपना गुड्स बेच रहे हैं येस yes ऑनो no, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट फिर हो गया ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जहां पे देर आर ओनली फ्यू सेलर सेलिंग टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इसी के अंदर में आया यस देर आर फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर एयरलाइंस इसी सेगमेंट के अंदर में आ गया फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स तो जल्दी से फिर एक बार रिवाइज करो टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कितने बेटा चार परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली सो सेलर प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा यूनिक तीसरा है मोनोपोलिस्टिक मेनी बायर मेनी सेलर डिफरेंशियटेड गुड्स और ओलिगोपोली के अंदर में मेनी बायर फ्यू सेलर सिमिलर और डिफरेंशिएटेड गुड्स ये सोनो यस yes, याद होगा तो ये चैप्टर आगे बढ़ता था एम आर टी आर और ए आर का कंसेप्ट में बताता था यस yes, एक प्रोडक्ट बेच के जो रेवेन्यू आए हैं इसको हम क्या कहते थे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को हम डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं यस yes, राइट right? दूसरा होता था हमारा टोटल रेवेन्यू सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू वॉज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स वॉज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू तो पहला आता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू वापस से रिवाइज करो मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूले टोटल रेवेन्यू एट एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन इसी को हम चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू भी कहते हैं येस ऑनो राइट दूसरा आता है टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को दो तरीके के फार्मूले हैं पहला डिफ एडिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी टोटल रेवेन्यू बनता है दूसरा आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी भी टोटल रेवेन्यू बनता है ठीक है और तीसरा आता है एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम पूछा है, ये याद रखना एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं प्राइस भी कहते हैं सो so, एवरेज रेवेन्यू मतलब टी आर अपॉन क्यू अब टी आर का एक फॉर्मूला क्या था पी इन टू क्यू अपॉन क्यू इसीलिए हम एवरेज क्यू क्यू कट करके एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस भी कहते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस भी कहते हैं क्लियर है मालिक चलो वापस मार्केट स्ट्रक्चर कितने हैं मार्केट स्ट्रक्चर कितने हैं चार कौन कौन सा पहला परफेक्ट कॉम्पिटिशन दूसरा मोनोपोली तीसरा मोनोपोलिस्टिक चौथा ओलिगोपोली फिर एम आर टी आर ए आर एम आर का फॉर्मूला क्या है टी आर एड टेन यूनिट माइनस टी आर एन माइनस वन ये सो नो राइट या चेंज इन टोटल रेवेन्यू वन चेंज इन क्वांटिटी दोनों यूज कर सकते हैं दूसरा है यूनो टी आर आर इज प्राइज इन टू क्वान्टिटी या सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू तीसरा है ए आर ए आर का फॉर्मूला क्या है ए आर अपॉन क्यू या फिर पी इन टू क्यू अपॉन क्यू या दैट इज ए आर इज इक्वल टू पी इसीलिए एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं प्राइस भी कहते हैं इज अट डन य बिहेवियरल प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो इस यूनिट का लास्ट पार्ट था बिहेवियरल प्रिंसिपल यहां यूनिट खत्म हो जाता है यूनिट नंबर वन सो yes नो no? यहां यूनिट नंबर वन ही खत्म हो जाता है ये इतना इजी था चलो दो बिहेवियरल प्रिंसिपल है पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है इफ द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट यू शुड नॉट प्रोड्यूस मतलब आपने प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए या शट डाउन पॉइंट भी कहा जाता है इसे अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने बिजनेस ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए तो फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलता है इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट खत्म हम इसे क्या कहेंगे बोलो जल्दी से बेटा फॉर्म शुड नॉट वर्क ऑन और इसे हम शटडाउन पॉइंट भी कहेंगे दूसरा आता है प्रिंसिपल नंबर टू जो कहता है कि भैया फर्म ने तब तक के प्रोड्यूस करते रहना चाहिए टिल द टाइम योर एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम आर इज हायर देन एम सी अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है तो आप एक्चुअली प्रॉफिट में ही है इफ रेवेन्यू इज हायर देन कॉस्ट अगर आप रेवेन्यू हायर देन कॉस्ट है तो आपने डेफिनेटली प्रोड्यूस करना चाहिए या एम आर इक्वल टू एम सी भी है तो आप शॉर्ट टर्न में तो एटलीस्ट वर्क कर ही सकते हैं ये सोनो क्योंकि कई बार गुड्स कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी बेचना होता है तो आपका एम आर इक्वल टू एम सी है तो भी चलेगा एम आर ज हायर देन एमसी तो भी चलेगा इन दोनों में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो है। है, प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए दूसरा क्या बोलता है अगर आप क्या कर दिए जब तक के प्रोड्यूस करते रहिए टिल द टाइम एम आर इज इक्वल टू एमसी और एम आर इज हायर देन एमसी क्लियर है मालिक तो देख लीजिए ये है बिहेवियरल प्रिंसिपल यस चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यहाँ से हमारा यूनिट टू डिटरमाइन चालू होता है यूनिट टू में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं प्राइस डिटरमाइन करते हैं यूनिट टू में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं प्राइस डिटरमाइन करते हैं आ जाओ यूनिट टू को रिवाइज करते हैं फटाफट यूनिट टू कहता है प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो कहते हैं भैया देखिए इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ इक्विल प्राइस कहाँ डिटरमाइन होता है इक्विली इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेबल समझ लीजिए आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा येस yes, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसका टेबल समझ लीजिए सबसे पहले आता है बेटा प्राइस फिर आता है डिमांड फिर आता है सप्लाई फिर आता है इफेक्टिव प्राइस अब समझिए मेरा प्राइस सिक्स रुपीज था टेबल को बड़े ध्यान से देखिएगा येस yes, मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ टेबल को बड़े ध्यान पर देखिएगा अगर प्राइस छः रुपये था तो डिमांड थी टू हंड्रेड और सप्लाई था फाइव हंड्रेड यस यहाँ सप्लाई क्यों ज़्यादा होगा क्योंकि एट हायर प्राइस हायर क्वांटिटी इज सप्लाइड लॉ ऑफ सप्लाई यस और नो यहाँ डिमांड क्यों कम है बिकॉज एट हायर प्राइज लोअर क्वांटिटी इज डिमांडेड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड ठीक है अब अगर डिमांड टू हंड्रेड की है सप्लाई फाइव हंड्रेड है तो आपके हिसाब से प्राइस किधर जाएगा ऊपर या नीचे नीचे क्यों क्योंकि सप्लाई करने वाले ज़्यादा लोग हैं और डिमांड करने वाले कम लोग हैं तो ऐसे केस में बायर उससे बाय करेगा जो बेस्ट रेट में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो सप्लाई चलिए मैंने प्राइस क्योंकि नीचे जाना चाहिए प्राइस को ड्रॉप किया सिक्स के जगह पे प्राइस फाइव लेके आया अगर प्राइस नीचे आया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा एंड क्वांटिटी सप्लाइड नीचे आएगा ये सो नो तो देखिए सेकंड केस में हमने देखा कि सप्लाई फोर ट्वेंटी एंड डिमांड टू एट्टी बराबर है अब यहां पे प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे स्टिल वही सप्लाई इज हायर देन डिमांड यानी आपका इफेक्टिव प्राइस कहां जाएगा नीचे फिर आता है तीसरा सिचुएशन हमने प्राइस को और ड्रॉप किया चार रुपए पर लेके आया अगेन क्वान्टिटी डिमांडेड ऊपर जाएगी एन क्वांटिटी सप्लाई नीचे आएगी यस स्टिल सप्लाई इज मोर देन डिमांड क्या मैं अगेन कह सकता हूं प्राइस और नीचे आएगा थ्री इज द प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इस सिचुएशन को जहां पर क्वांटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हम कहते हैं इक्विली बिरियम द प्राइसिम क्वान्टिटी सो इसीलिए एक लाइन आती है कि प्राइस डिटरमाइन होता है बाई इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कहा होता है बाई इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे जाने के कारण आपका प्राइस चेंज होता है पर कॉन्ट्रैक्ट तो कहां हो कहा होगा बेटा इक्विलिब्रियम पे ही होगा यस yes. अज्यूम करते हैं और प्राइस नीचे गया तो अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाइड डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम तो ऐसे केस में प्राइस कहां खींचेगा ऊपर क्लियर है सो जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दीज प्राइज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस ज इक्विली बीरियम प्राइस वेर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई एम डी इज इक्वल टू एम एस क्लियर है जनरली द प्राइज इज डिटरमाइंड बाय बोलोबेटा इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अब देखिए डिमांड कर कहां जाता है नीचे जबकि सप्लाई कर्व कहाँ जाता है ऊपर ये सो नो सो डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप वेर एज सप्लाई कर्व एज अ पॉजिटिव स्लोप बराबर है तो इधर देखिए डिमांड कर्व नीचे जाएगा सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा एक प्राइस जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम यस yes, तो ये बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस ये बनेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्लियर है मालिक यस yes, और इसीलिए जो कर्व होता है तुम किसी डिमांड कर्व सी हो मैं किसी सप्लाई कर्व सा हूँ एक दिन हम जरूर मिलेंगे क्या 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 तुम किसी मैं किसी डिमांड कर्व सा हूं तुम किसी सप्लाई कर्व सी हो और एक दिन हम जरूर मिलेंगे यस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व चलिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व को पहले ये चैप्टर नंबर फोर को चैप्टर नंबर टू से जोड़ते हैं यस और नो हमारा डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होता है फॉर द फैक्टर अदर देन प्राइस एक प्रोडक्ट का प्राइस कई फैक्टर से डिटरमाइन होता है एक प्रोडक्ट का जो डिमांड है ये कई फैक्टर से अफेक्ट होता है कौन कौन से फैक्टर से डिमांड अफेक्ट होता है डिमांड इज अफेक्टेड बाय पहला प्राइस दूसरा इनकम तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चौथा पॉप्युलेशन ऐसा नो याद आ रहेगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ये कहां टू तो आपकी डिमांड किन किन चीजों से अफेक्ट करती है कम ऑन वंस अगेन आपकी डिमांड कई चीजों से अफेक्ट करती है पहला प्राइस दूसरा इनकम तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चौथा पॉपुलेशन एटसेट्रा वही फैक्टर से डिपेंड करती है अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड याद आ रहा है क्या ये yes, अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लेकिन अगर प्राइस को छोड़ के किसी भी अदर फैक्टर के कारण डिमांड ऊपर या नीचे गई वी कॉल्ड इट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड सो वेनएवर देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड डिमांड कर शिफ्ट टू तो राइट एंड वेनएवर देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड डिमांड कर शिफ्ट टू तो लेफ्ट याद आ रहा है मालिक अब ध्यान से सुनिए अगर क्या हो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है सप्लाई रिमेन कांस्टेंट अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो हियर राइट right में शिफ्ट हुआ तो वी विल कॉल इट एज इंक्रीज इन डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो वी विल कॉल इट एज डिक्रीज इन डिमांड बराबर है कि नहीं है सो so, अगर प्राइस के चक्कर में हुआ वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑन डिमांड प्राइस छोड़ के किसी भी अदर फैक्टर के कारण आपकी डिमांड अफेक्ट हुई वी कॉल्ड इट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड अब सवाल उठता है मान लो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो व्हाट विल हैपन टू तो प्राइस अब सोच के देख अगर मेरा डिमांड कर्व इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है तो डोंट यू थिंक मेरा जो इक्विलिब्रियम था वो भी शिफ्ट हो जाता है और मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने के कारण मेरा प्राइस भी क्या हो जाएगा शिफ्ट अगर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ शिफ्ट हुए तो देर विल बी चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट प्राइस विल नॉट चेंज अगर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ शिफ्ट हुए ये भी दस परसेंट से हुआ ये भी दस परसेंट से हुआ तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वो पे ही होंगे दोनों क्वांटिटी विल चेंज सो इफ डिमांड कर शिफ्ट इक्विलिब्रियम आल्सो शिफ्ट एंड देर फॉर प्राइज ऑल्सो चेंज बट प्राइज विल बी डिटरमाइंड बाई इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इफ डी शिफ्ट टू राइट प्राइज विल राइज फ डी सी शिफ्ट टू लेफ्ट प्राइज विल फॉल ये सो नो अगर डीसी राइट right में शिफ्ट करता है तो प्राइज राइज होंगे और डीसी अगर लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो प्राइज फॉल होगा ठीक उसी तरीके से इफ सप्लाई कर शिफ्ट टू राइट इक्विलिबरियम प्राइज फॉल्स इफ सप्लाई कर शिफ्ट टू लेफ्ट इक्विलिबरियम प्राइज राइज इसको एक बार फिर से पढ़ो तो अगर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है आपका इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा बट प्राइस इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही आएगा डीसी राइट right में शिफ्ट होता है तो प्राइस राइज होता है डीसी लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो प्राइस फॉल्स होता है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट

एक और बार रिविजन करो इफ डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन द इक्वल रेशियो इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस सेल इक्वल टू न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज इफ डिमांड इज हायर देन सप्लाई मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज हायर देन इंक्रीज इन सप्लाई तो ऐसे केस में क्या होगा सर ऐसे केस में यू नो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हायर देन ओल्ड इक्वलिब्रियम प्राइस और अगर सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन न्यू इक्वेलिबरियम प्राइस विल बी लेस देन ओल्ड इक्वेलिबरियम प्राइस यहाँ आपका यूनिट नंबर टू भी क्या होता था ओवर तो यूनिट नंबर टू में प्राइस डिटरमिनेशन के तीन कंसेप्ट है पहला जनरल प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा जनरल प्राइस डिटरमाइन होगा बाय इंटर इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दूसरा अगर डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो क्या होगा डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा बट द प्राइस विल बी डिटरमाइन बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और तीसरा हमने पढ़ा था अगर दोनों कंटिन्यूसली शिफ्ट हुए दोनों कंटिन्यूअसली शिफ्ट हुए तो हमारे पास तीन पैरामीटर थे इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई

टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और उसके प्राइस एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन ये सोनो सबसे पहले हम फीचर करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन को चलो बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन बताओ क्या क्या होता था जितना आपको याद है फटाफट बताओ आर देर मैनी बायर मैनीलर सेम प्रोडक्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ये फॉर्म इज अ प्राइज मेकर और अ प्राइस टेकर प्राइस टेकर बताओ बोथ बायर एंड सेलर है नॉलेज अबाउट द मार्केट नॉलेज अबाउट द मार्केट यहाँ पे yes no? right? सेलिंग लोग तीन तरह के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और तीसरा क्या हो सकता है लॉसेज वेयर एवरेज एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू ठीक है लॉन्ग रन में क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर होगा तो बहुत सारे मार्केट प्लेयर क्या आ जाएंगे मार्केट के अंदर में आ जाएंगे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे वाइप आउट इसीलिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन को सिर्फ एक ही चीज हो सकती है नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज एआर मस्ट बी इक्वल टू ए क्लियर है चेक कीजिएगा परफेक्ट कंपटीशन के पूरे पॉइंट एक एक पॉइंट को पहला देर आर मेनी बायर देर आर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स दूसरा फर्म इज अ प्राइस टेकर तीसरा बोथ बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट चौथा इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पांचवा डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ पैरल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस हम इसको हॉरिजोंटल लाइन भी कह सकते हैं पैरल स्टेट लाइन टू एक्स एक्सिस बोला है या आप हॉरिजोंटल लाइन टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हो ना यस yes, तो आप यू you नो know, इसको पैरल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है क्योंकि हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता इनका एवरेज रेवेन्यू ही इनका क्या बन जाता प्राइस सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस समझ आ रहा है बात अब इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग ये होता है बेटा मान लो अगर छह रुपए है विच इज अ अम्पिटेटिव प्राइस यू आर रेडी टू सप्लाई अनलिमिटेड क्वांटिटी तो ऐसे केस में ही आपका एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू क्या बन जाता प्राइस समझ आ रहा है बात सिंगल फॉर्म के नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों परफेक्टली इलास्टिक है आप प्राइस को प्रॉपर करो हम अनलिमिटेड क्वांटिटी को क्या करेंगे सप्लाई ऐसे मार्केट में दो ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम अचीव करने की याद करके देखो तो हमने ये पढ़ा है दोस्त दो कंडीशन इक्विलिब्रियम अचीव करने की पहली कंडीशन एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एटलीस्ट योर मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कहीं पर भी क्या अचीव करने की इक्विलिब्रियम दूसरा कंडीशन था योर एम सी लाइन मस्ट कट द दर लाइन फ्रॉम बिलो

प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैसे होगा शॉर्ट रन में तीन तरीके की चीजें हो सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है चलो थर्ड रिविजन वापस से इसी चीज का ठीक है पहला आर देयर मेनी बायर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स यस फॉर्म इज अ प्राइस टेक कर बोथ बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यस इट इज़ अ पैरल स्टेट लाइन टू एक्स एक्सेस यस तो भैया ए आर मस्ट बी इक्वल टू एम आर मस्ट बी इक्वल टू प्राइज एंड सिंगल फॉर्म कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइज ऐसे के इसमें जो आपका डिमांड कर वो होता है ये कैसा होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर वो होता है आपकी डिमांड या सप्लाई किधर भी जा सकती है इससे मार्केट में इक्वेलिब अचीव करने के दो कंडीशन हैं कंडीशन नंबर वन एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी एंड दूसरा एमसी करव मस्ट कट दर करो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो सकते हैं तीन सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन में क्या होगा ओनली नॉर्मल नेक्स्ट कंसेप्ट आता था मोनोपली का मोनोपली का मतलब क्या होता था याद करके देखो देर आर सिंगल सेलर मेनी वायर प्रोडक्ट सिमिलर होगा या डिफरेंशिएटेड होगा डिफरेंशिएटेड अगर आप ही सिंगल फॉर्म है मोनोपली है मतलब आपका डिमांड कर्व इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व कर्व इज मार्केट डिमांड यस यस और नो योर सप्लाई कर्व डिनोट्स द इंडस्ट्री डिमांड यस अच्छा मुझे बताइए सिंस यू आर द ओनली सप्लायर आर यू प्राइज मेकर और यू प्राइज टेकर यस दे आर प्राइज मेकर शॉर्ट टर्म में आप तीन तरीके की चीजें कर सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस लॉन्ग रन में क्योंकि आप मोनोपली हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों कंटिन्यू हो सकते हैं अरे एवरीबॉडी yeah. तो पहला मोनोपली का मतलब होता है सिंगल सेलर एंड देर आर मेनी बायर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज्यादा एमसीक्यू इस पे आता है इट हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि जब तक ये प्राइस कम करते नहीं तब तक ये क्वांटिटी सेल इंक्रीज होता नहीं तो दे हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जिसी को हम इंडस्ट्री डिमांड कर्व भी कहते हैं तो इट हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोली फर्म इज द इंडस्ट्री एंड सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्योंकि इंडस्ट्री को जितना सप्लाई हो रहा है वो लॉजिकली हो ही आपके पास से रहा है तो आपका जो मोनोपोली का मोनोपोली का सप्लाई कर्व है वही इंडस्ट्री का क्या बन जाता सप्लाई कर्व इनका जो एम होता है मार्जिनल रेवेन्यू लाइन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है एंड एम लाइन लाइज हाफ वे बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए आर लाइन ये कैसा कर्व होता है मैं आपको बताता हूँ ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू ये होता है वाई एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस आपका एम लाइन कुछ ऐसा होता है इट रन्स हाफ वे बिटवीन ए आर एंड एम आर आर कैन नेवर बी निगेटिव एवरेज रेवेन्यू तो निगेटिव हो ही नहीं सकता मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो सकता है मोनोपोली फॉर्म इज अपोली फॉर्म इज अ प्राइस रन में तीन तरह के प्रॉफिट हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज लॉन्ग रन में दो ही हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है चलो वापस से वन सगेन मोनोपोली का मतलब क्या है बेटा सिंगल सेलर एंड मेनी बायर इसका डिमांड कर्व कैसा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यानी अगर मोनोपोली फर्म को ज़्यादा बेचना है तो उसे प्राइस कम करना पड़ेगा मोनोपोली फर्म इज द इंडस्ट्री तो मोनोपोली फर्म का सप्लाई कर्व यही इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व भी होता है इनका एम आर पॉजिटिव जीरो या निगेटिव तीनों हो सकता है और एम आर वाई एक्सिस और ए आर के बीच में लाई करेगा नेक्स्ट इनका ए आर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता दे आर प्राइस मेकर शॉर्ट रन में तीन तरीके की चीजें हो सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस लॉन्ग रन में क्या हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है मालिक अच्छा आपको याद होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी एक कंसेप्ट होता है मोनोपोली के अंदर में मोनोपोली के अंदर का एक और कंसेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद आ है क्या दोस्त व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर इसको हम क्या कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म के अंदर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्योंकि ये अलग अलग सब मार्केट के अंदर में डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं जहां पे डिमांड इन इलास्टिक है वहां पर देते जहां डिमांड इलास्टिक है वहां ये लोग लोअर प्राइस चार्ज कर देते इन है, मतलब उनको प्राइस से फर्क पड़ रहा नहीं जहाँ इलास्टिक मतलब उनको प्राइस से फर्क पड़ता है तो इलास्टिक मार्केट में ये लो प्राइस रखते और और इन हायर प्राइस रखते और इसी के लिए ये लोग क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है पिग्यू कहते हैं पीग्यू 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 कहते हैं देर आर थ्री डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां आप एंटायर कंज्यूमर सरप्लस खत्म कर देते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस छोड़ देते हैं और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां आप सेगमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन जैसे एज पर्सन सेक्स इनकम इनके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है थ्री के ऊपर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इनकम सेक्स एटसेट्रा सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है इफ प्रोड्यूसर चार्ज डिफरेंट प्राइज टू डिफरेंट कस्टमर इट इज कॉल्ड एज प्राइज डिस्क्रिमिनेशन एज पर पिग यू देर आर थ्री डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइज डिस्क्रिमिनेशन वेयर एंटायर कंज्यूमर सर्कलस इज टेकन अवे सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइज डिस्क्रिमिनेशन जहां पर सम सर्कलस इज लेफ्ट और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइज डिस्क्रिमिनेशन इज वेयर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इनकम सेक्स एटसेट्रा जनरली प्रोड्यूसर चार्ज हायर प्राइस इन लेस इलास्टिक मार्केट एंड लोअर प्राइस इन फुल इलास्टिक मार्केट देर फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिकेम पॉसिबल ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये पार्ट लिख लो नहीं लिया होगा तो फोटो ले लो जल्दी से चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर यस ये क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यू कहते हैं थ्री डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है एक जहां पे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस खत्म हो जाए दूसरा बोलो जल्दी से यहां थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस छोड़ दे तीसरा क्या होता है जहां पॉपुलेशन इनकम के बेसिस पे करे मोनोपोलिस जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेट कैसे करता है हायर प्राइस चार्ज करता है लेस इलास्टिक मार्केट में एंड लोअर प्राइस चार्ज करता है फुल्ली इलास्टिक मार्केट में क्लियर है मालिक आओ. तीसरा कंसेप्ट था मोनोपोलिस्ट तीसरा कंसेप्ट क्या था मोनोपोलिस्ट अगर आप मोनोपोलिस्ट को देखेंगे तो ये दोनों के फीचर्स कंबाइन करता है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली और ये इम परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइम ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है इम परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है सो so मोनोपोलिस्ट के अंदर में देर आर मेनी बायर देर आर मेनी सेलर सेलिंग डिफरेंशियल प्रोडक्ट तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्ट में एक ही डिफरेंस है यहाँ जो प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है क्लियर है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन मोनोपली इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन मोनोपली फर्म इज अगेन अ प्राइज़ टेकर फर्म इज़ अगेन अ प्राइज टेकर क्योंकि ये लोग यू नो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट रखते हैं इनको बहुत सारा एक्सपेंसिस क्या करना पड़ता है इनकर करना पड़ता है ऑन एडवर्टीजमेंट तो दे इनकर यू you नो know, डवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर शॉर्ट रन में इनके पास भी तीन ही प्रॉफिट होते हैं सुपर नॉर्मल नॉर्मल और लॉसेस लेकिन लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में बोलो जल्दी से ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट यस, चलो वापस से मोनोपोलिस्ट फॉर्म बताओ देर आर मेनी बायर देर आर मेनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स इट इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन मोनोपोली फॉर्म इज अ प्राइज टेकर यूज एक्सपेंडिचर इज डन ऑन एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट डिटर्मिनेशन वही सेम जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस लॉन्ग रन के अंदर में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है लास्ट कंसेप्ट आते हैं लास्ट कंसेप्ट था हमारा ओलिगोपोली ओलिगोपोली क्या था बोलो जल्दी से फ्यू सेलर्स एंड

Oligopoly, मतलब फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स डिमांड कर ही नहीं सकता Sir, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्राइस इंटर डिपेंडेंट है किसके ऊपर राइवल के ऊपर इंटर डिपेंडेंस के yes no? कारण ओलिगोपोलीफॉर्म का प्राइस डिटरमिनेशन पॉसिबल नहीं है डिमांड करव भी डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है यस yes? प्राइज एंड आउटपुट डिपेंड अपॉन कॉम्पिटेटर प्राइस एंड आउटपुट टोटली डिपेंड अपॉन कॉम्पिटिटर ये चलो वापस से बोलो ओलिगोपोली फॉर्म के बारे में चार पॉइंट बोलो ओलिगोपोली फॉर्म के बारे मेंलर्स मेनी बायर प्रोडक्ट मे बी सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं थर्ड द थेरी ऑफ ओलिगोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड एस थी ऑफ ग्रुप बिहेवियर ओलिगोपोली मीन फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स डिमांड करव एंड प्राइस डिटरमाइन हो सकता नहीं बिकॉज आप इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट है कॉम्पिटिटर के ऊपर इज द डन अच्छा एक इकोनॉमिस्ट है पॉल स्विजी हम इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था किंग डिमांड कर याद आ रहा है क्या मालिक यहां यह चैप्टर क्या हो जाता था ओवर चलो बोलो किंग डिमांड कर्व अब ये किंग डिमांड कर्व क्या कंसेप्ट था एक यू नो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल स्विजी ये कहते थे जनरल रूल तो ये है कि भैया ओलिगोगोलिस्टिक फर्म का डिमांड कर्व डिटरमाइन हो सकता नहीं लेकिन ये देते थे कि भैया डिमांड कर्व जो होता है ओलिगोगोलिक फर्म का वो रिजिड होता है और इसीलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइज रिजिडिटी भी कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं थियोरी ऑफ प्राइज रिजिडिटी भी कहते हैं अब आप पूछेंगे कि सर थ्योरी ऑफ प्राइज रिजिडिटी कैसे होता है थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी कैसे होता है देखिए ये कहते हैं ये ऐसा एक किंग्ड डिमांड कर्व बनाते हैं इधर समझिए ये ऐसा एक डिमांड कर्व बनाते हैं ये कहते हैं देखिए ओलिगोपोली फर्म की जो इंडस्ट्री है या ओलिगोपोली जो इंडस्ट्री है राइट इसमें जो डिमांड कर्व होता है ये किंग्ड डिमांड कर्व होता है किंग्ड मतलब क्या जरा ये समझिए देर इज़ नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया कॉम्पिटिटर इंक्रीज़ नहीं करेगा एंड यू विल लूज द कस्टमर आपने प्राइस गिराया वो जरूर प्राइस गिराएगा है ना वो जरूर प्राइस गिराएगा मतलब ना तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं ना तो आप प्राइस कम कर सकते हैं इसीलिए आपका प्राइस एक जगह रिजिड हो चुका है किंग्ड हो चुका है अटक गया है है ना और इसी के लिए हम इसे कहते हैं किंग्ड डिमांड कर तो जनरल रूल क्या है डिमांड कर्व ओली को बोली फॉर्म में निकलता नहीं पर पॉल्स यूजी कहते हैं कि अगर निकल भी पाया तो वो किस तरह का होगा किंग्ड डिमांड कर अगर इसके ऊपर का कोई पोर्शन होगा तो वो कंप्लीटली इलास्टिक होगा मतलब आपके पास में ह्यूज सेल्स का डिफरेंस आ जाएगा यस yes, मतलब आपने प्राइस ज़्यादा चार्ज किया इस प्राइस से तो भैया आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी लोग आपके यू you नो know, पे शिफ्ट हो जाएंगे आपने प्राइस कम किया तो फिर ये इन इलास्टिक हो जाएगा क्योंकि वो लोग भी कम कर देंगे तो कोई ऐसा सच आपको इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा सो so, इसीलिए ये प्राइस क्या हो जाता है बेटा रिजिड है ना आ जाओ किंग जनरली डिमांड करोपोलीफॉर्म के नॉट बी डिटरमाइंड डिमांड करलिको बोली फर्म कैनॉट बी डिटरमाइंड बट अकॉर्डिंग टू पॉल्स वी सी द डिमांड करव शेल बी किंग डिमांड करव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइज रिजिडिटी थियोरी फर्म कैनॉट इंक्रीज द प्राइज इन द फियर दैट कॉम्पिटिटर विल नॉट इंक्रीज द प्राइज दे कैनॉट रिड्यूज द प्राइज बिकॉज कॉम्पिटिटर विल ऑल्सो रिड्यूज द प्राइज देर फॉर प्राइज इज रिचिड और पोर्शन अबव द डिमांड कर विज इलास्टिक पोर्शन बिलो द डिमांड करविज इन ए यस? इसका फोटो ले लीजिए सर जिन दिन का बाकी है उन, उनका इज दट डन तो सर चैप्टर इज ऑल्सो ओवर यस yes. चलिए मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे पूरा बुक घुमा रहा हूँ आप एक बार देख लीजिएगा जल्दी से और फटाफट एक क्विक रीडिंग और मान लो काम खत्म हो जाएगा चलो ऑन हैव अ क्विक रीडिंग फीचर्स ऑफ मार्केट मार्केट क्लासीफिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप थे चार concept of MRTRER. याद करो दो बिहेवियरल प्रिंसिपल थे प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आता था डिमांड कर्व शिफ्ट होता था ये वाला पार्ट पढ़िए जी साइमल्टेनियस शिफ्ट अगर होगा तो देखो क्या करना चाहिए न परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपली मोनोप्लेस्ट एंड रीड ऑल द पॉइंट्स then Read it, read it.

डन किंग डिमांड कर्व ना परफेक्ट तो यहां आपका चैप्टर नंबर फोर भी खत्म होता है और हमारा रिविजन की सीरीज में चैप्टर नंबर थ्री थ्री फिफ्थ ऑफ द सिलेबस इज ओवर चलो एमसीक्यू बुक लाए आज कि नहीं लाए नहीं लाए कैसा करेंगे फिर लाए हो कि नहीं लाए हो नहीं लाए मैक्सिमम लोगों ने क्या करें एक काम कर सकते हैं चैप्टर नंबर फाइव डन कर सकते हैं क्या बोलते हो चैप्टर नंबर फाइव भी डन कर दे मतलब अपना कंटेंट खत्म हो जाता फिर अगले दो दिन हम एमसी क्यों क्यों डन कर देंगे ठीक है चलो चैप्टर नंबर फाइव में आ जाओ बिजनेस कनेक्शन दैट इज बिजनेस साइकिल आ जाओ मालिक यस yes, सर ये है चैप्टर नंबर फाइव माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिविजन चैप्टर बहुत ही छोटा है जैसा कि आप सब जानते हैं आज ही शुरू होगा आज ही खत्म भी हो जाएगा yes, cycle, है macro है? Macro है, नहीं है यस yes, वो कहते हैं हर इकोनॉमी चार बिजनेस साइकिल से गुजरती है चार फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल से गुजरती है राइट right? पहला एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू तो यहां पे दो टर्निंग पॉइंट है एक है पीक और दूसरा है थ्रू तो देर आर टू टर्निंग पॉइंट्स ये नो बिजनेस साइकिल आर कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल्स एज वेल बिजनेस साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल्स एज वेल तो सबसे पहले वट इज बिजनेस साइकिल एग्रीगेट फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल एग्रीगेट फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक बूम्स एंड स्लम्स इट इज अचुरल राइज एंड फॉल इट इज अचुरल राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस साइकिल के फीचर्स कुछ हैं जी हाँ कुछ है पहला ये रिकंट है ये बार बार होता रहता है येस ऑन नो एंड ऑकर पीरियॉडिकली लेकिन कोई फिक्स पीरियड के साथ आता नहीं दे ऑकर अगेन एंड अगेन बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल दे डू नॉट हैव एनी फिक्स ड्यूरेशन तो ऐसा नहीं होगा पीक चार महीने का होगा छः महीने का होगा आठ महीने का होगा दे डू नॉट हैव अ फिक्स ड्यूरेशन दे डिफर इन इंटेंसिटी हो सकता है आपका एक्सपांशन ज़्यादा बेटर हो और यू you नो know, पीक थोड़ा सा ही हो

बिजनेस साइकिल के कॉजेज क्या हैं भैया बिजनेस साइकिल के दो तरीके के कॉजेज होते हैं एक होता है इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल मोस्टली इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएंगे ठीक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपने अगर क्वेश्चन बैंक अभी तक मेरा सॉल्व कर लिया होगा एक बार तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे ही है ठीक है तो यही इस चैप्टर की जान है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और इससे रिलेटेड जितने एम सी क्यू पढ़ के चल जाना तो इस चैप्टर में आपका काम हो जाएगा चैप्टर के एक्सटर्नल कॉजेज क्या है एक्सटर्नल कॉजेज वो कॉजेज है जिस का आपका कोई हाथ नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं है कौन कौन से कॉजेस के कारण बिजनेस साइकिल चेंज होता है पहला वॉर अब सोचो ईरान इराक के अंदर में वॉर हो रहा है तो बिजनेस साइकिल वहां का चेंज हो गया जहां पीक पे भी जाना था वो कहां पहुंच गए थ्रू नेक्स्ट पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन वॉर खत्म होने के बाद भी अब जो पैसा लगेगा वो रीडेवलपमेंट पे लग जाएगा बिजनेस पे नहीं तीसरा नेचुरल डिजास्टर जापान के अंदर में हर साल होता है चौथा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पांचवा टेक्नोलॉजिकल शॉक्स के कारण ऐसा हो सकता है ठीक है इंटरनल कॉजेस क्या है नीज कहते हैं अगर इफेक्टिव डिमांड किसी भी कंट्री में चेंज हो जाता है तो आपको एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है किसी भी कंट्री में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो वहां पे एक्सपांशन या पीक्स देखने को मिलता है किसी भी कंट्री में अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलता है एज पर सम इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द डिमांड अगर किसी देश का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपांशन या पीक देखने को मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन या थ्रू देखने को मिलेगा नेक्स्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक इंटरनल रीजन होता है देश का देश के अंदर में अगर किसी भी सेक्टर में उस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो एक्सपांशन या पीक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन या थ्रू

मनी सप्लाई अगर किसी भी देश का इंक्रीज हो जाता है तो एक्सपांशंस एंड पीक्स अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शंस या थ्रू देखने को मिलेगा फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर पीग्यू कहते हैं पीग्यू कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर देश के जो लोग हैं ये इसको लेकर के ऑप्टिमिस्ट है तो एक्सपांशन या पीक देखने को मिलेगा अगर वो पैसिमिस्ट है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलेगा इनोवेशन थ्योरी इज गिवन बाई स्लमटर कंप्यूटर कहते हैं कि सर अगर न्यू इनोवेशन आते हैं किसी भी देश में तो वहां पर एक्सपांशंस एंड पिक्स अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू एंड निकुलसडोर का कॉव वेब थियोरी कहता है कि प्राइजेस आपकी डिमांड को इन्फ्लुस करते हैं अगर प्राइजेज ऊपर जा रहे हैं मतलब एक्सपांशन प्राइज नीचे जा रहे हैं मतलब कॉन्ट्रेक्शन चलो कम ऑन वन सगेन एक बार इसको वापस से रीड करो देर आर टू कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉर पोस्ट वॉर नेचुरल डिजास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल शॉक्स ठीक है इंटरनल कॉजेस क्या है पहला एज पर नीज चेंज इन द इफेक्टिव डिमांड दूसरा इन्वेस्टमेंट्स तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स चौथा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पांचवा मनी सप्लाई छठवा साइकोलॉजिकल फैक्टर आठवा सातवा या आठवा इनोवेशन एंड लास्ट निकोलस केल्डोर कॉब वेब थ्योरी क्लियर है मालिक फिर आते हैं हम स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे बताओ तेरा कितने स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल फोर पहला एक्सपांशन दूसरा पीक तीसरा कॉन्ट्रैक्शन चौथा थ्रू अब एक्सपांशन में क्या होता है सर एक्सपांशन के अंदर में यू सी द राइज इन द इन्वेस्टमेंट राइज इन एम्प्लॉयमेंट राइज इन मनी एंड पीपल एंजॉय अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीक दिस इज़ कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी आउटपुट प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड कंज्यूमर बिगिन टू रिव्यू देयर एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रेक्शन की अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में देर इज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट देर एर अर इज अज मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर पोस्टोन देअर एक्सपेंसेस और आता है थ्रू ग्रोथ रेट क्या हो जाती है बेटा निगेटिव हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ लिक्विडेशन होता है एंड जॉब कट्स भी होते हैं नेशनल इनकम गोस डाउन एक बार इसको वापस से रीड करो ने जी नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल ये दूसरा पार्ट है जिसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं ये yes, सोनो no. इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें से एम आते हैं देखिए बिजनेस साइकिल जो भी चेंज हो रहा है इसमें तीन तरीके के इंडिकेटर्स मिल सकते हैं पहला लीडिंग इंडिकेटर दूसरा कोइंसिडेंट इंडिकेटर और तीसरा लैगिंग इंडिकेटर अगर होने से पहले पता चल जाए वी कॉल्ड इट एज लीडिंग इंडिकेटर होने के साथ पता चले वी कॉल्ड इट एज कॉन्करेंट इंडिकेटर और होने के बाद पता चले वी कॉल्ड इट एज लैगिंग इंडिकेटर क्लियर है मालिक first, so, leading indicator variable that change before the real output change variable that change before the real output change is called as leading indicator it predicts economic performance dusra concurrent indicator variable that change simultaneously with the change in economic variable इट चेंज साइमल्टेनियसली विद द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल और लास्ट आता है लैगिंग इंडिकेटर दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज इट इज कॉल्ड एज लैगिंग इंडिकेटर क्लियर है मालिक एक और बार पढ़ो डन एंड द चैप्टर इज ओवर चैप्टर के अंदर में क्या क्या कंसेप्ट था पहला व्हाट इज बिजनेस साइकिल देखो पहला कंसेप्ट क्या था व्हाट इज बिजनेस साइकिल दूसरा फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल पे से क्वेश्चन नहीं आते क्वेश्चन आते इसमें से कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल उसमें भी इंटरनल वाले पे ज्यादा आते तो वो आपको क्या करना है पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से और दूसरे क्वेश्चन आते हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे भी क्वेश्चन नहीं आते क्वेश्चन आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल तो एग्जाम्पल्ट ऑफ यू से ये दो चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाइएगा आपका काम हो जाएगा येस और नो तो हमारा एक और टॉपिक खत्म हुआ माइक्रो के रिविजन का अब हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है दैट इज चैप्टर नंबर टू लेकिन वो हम करेंगे जब हम ये दोनों चैप्टर के क्या कर लेंगे एम तो आपको अगले वीडियो के अंदर में दिखेगा बॉस एम सी क्यू ऑफ चैप्टर नंबर फोर एंड देन चैप्टर नंबर फाइव और फिर हम चैप्टर नंबर टू देखेंगे इज दैट डन थैंक यू सो मच बाय बाय